हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर पल्लवी टिपले, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इन फेम केयर फर्टिलिटी। आज के हमारे ये वीडियो में हम 18 एंड 19 वीक्स के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली 18 टू 20 वीक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी दिन में हम एक इम्पॉर्टेंट स्कैन एडवाइस करते हैं, जिसको हम एनुअली स्कैन या डेटिंग स्कैन बोलते हैं। 18 वीक्स तक हमारे बेबी के ऑलमोस्ट सब ऑर्गन्स फॉर्म हो जाते हैं, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसका फंक्शनिंग भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये वीक्स में हम ये स्कैन इसीलिए एडवाइस करते हैं कि उसमें हम डिटेल्स में हमारे बेबी के ऑर्गन्स की स्टडी करें, उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, सब ऑर्गन्स अच्छे से फॉर्म हुए हैं या नहीं है, बेबी का फेस कैसे है। कभी कभार बेबी के फेस में क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट या बेबी के कोई ऑर्गन में कुछ डिफेक्ट रहता है, वो जल्दी से पता चले, इसके लिए हम डॉक्टर ये स्कैन एडवाइस करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपने ये स्कैन करना है। सेकंड है कि यदि अब तक आपने आपका फर्स्ट डोज ऑफ टीटी नहीं लिया है, तो आपने फर्स्ट डोज ऑफ टीटी भी 18 वीक्स तक लेना है। अभी हम जानेंगे कि 18 वीक्स 18 19 वीक्स में हम मदर के साथ क्या चेंजेस होते हैं, बेबी के साथ क्या चेंजेस होते हैं और हमें क्या केयर लेनी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें जो नोजिया, वोमिटिंग, गिडीनेस जो सिम्टम्स रहते हैं प्रोजेस्ट्रॉन बिटासिज हार्मोन के वजह से, वो थोड़ा अभी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके वजह से हमारी अभी भूख बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, हमारा वेट गेन होता है, हमारा यूटेरस का साइज बढ़ता है, तो उसके वजह से प्रेशर सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाता है। हमने इसके पहले भी डिसाइड किया है कि यूटेरस को जैसे ब्लड फ्लो बढ़ता है, वैसे हमारे अदर ऑर्गन्स को भी ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो उसके वजह से भी कुछ सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारे जो लेग्स रहते हैं उसमें स्वेलिंग आती है, यूजुअली ये वाटर रिटेंशन के वजह से होता है। हमारे बॉडी में वाटर ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका रिटेंशन होता है, उसके वजह से हमारे जो नर्व्स रहते हैं उसमें प्रेशर आना स्टार्ट होता है। इसीलिए हमारी वुड बी मॉमी को कभी कभार नमनेस, वीकनेस, लेग में स्वेलिंग, ये सब कंप्लेंट दिखाई देती है। ये यूजुअली सबको रहता है, 50-60% फीमेल में ये सब सिम्टम्स रहते हैं। बट यदि आपकी ये स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, आपका वेट गेन बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, तो आपने आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ रीजंस रहते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में जो बीपी रहता है, या यदि आपको पहले से ही बीपी की बीमारी है और अभी आपका बीपी बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो भी ये सिम्टम्स रह सकते हैं। एनीमिया यानी हमारा हीमोग्लोबिन कम होना, या हमारे बॉडी में प्रोटीन कम होना, या कभी कभार हाइपोथायरॉयडिज्म यानी हमारा जो थायरॉयड रहता है, TSH रहता है, वो बढ़ जाता है, तो उसके वजह से भी हमें ये स्वेलिंग आना या ये सिम्टम्स दिखना दिखाई देता है। इसीलिए यदि आपको लगता है कि कुछ सिम्टम्स आपको ज़्यादा तेजी से आ रहे हैं, तो आपने आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जो मॉमी फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट रहती है, अभी उनको अपने बेबी की फर्स्ट किक, बेबी की फर्स्ट मूवमेंट फील होती है। यूजुअली हमारा बेबी पहले से ही मूवमेंट करता है, बट अब तक हमें वो फील नहीं होता, क्योंकि बेबी का वेट कम रहता है, इसीलिए इतने जल्दी हमें वो फील होना स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि उसके मूवमेंट उतने स्ट्रांग नहीं रहते। फर्स्ट टाइम जब बेबी के मूवमेंट मॉमी को फील होते हैं, उसको हम क्विकनिंग बोलते हैं। यदि आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो हो सकता है आपको ये 18 टू 20 वीक्स में आए। यदि आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है, तो ये सिम्टम्स थोड़े से जल्दी आने के भी चांसेस होते हैं, यूजुअली 16-17 वीक्स में भी दिखाई देता है। या आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है और आप बहुत सेंसिटिव हो, तो भी आपको 16-17 वीक्स में हमारे बेबी के मूवमेंट फील होना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी हम जानेंगे कि हमारे बेबी में क्या चेंजेस होते हैं। हमारा बेबी 6-7 इंच का हो जाता है, 150-250 ग्राम का हमारे बेबी का वेट हो जाता है। अभी हमारे बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होना स्टार्ट हो जाता है, उसके नर्व टू नर्व कनेक्शन बढ़ जाता है, उसका डेवलपमेंट हो जाता है। हमारे जो नर्व रहते हैं उसके अराउंड माइलिन शीट रहती है, तो वो फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। हमें जो भी सेंसेशन रहता है, जैसे टेस्ट सेंसेशन है, हियरिंग है, ये सब हमारे बेबी में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, और ये सब माइलिनेशन की वजह से होता है। हमारे बेबी को अभी बेबी की हियरिंग स्टार्ट हो जाती है, बेबी के स्मेल सेंसेशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो
18 टू 20 वीक्स में हमारे बेबी के साथ ये सब चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है। हमारा जो बेबी रहता है उसके स्किन के अराउंड में एक ऑयली फैटी लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाती है, उसको हम वर्निक्स कैसियोसा बोलते हैं। ये लेयर हमारे बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये लेयर हमारे बेबी के स्किन को प्रोटेक्शन देता है। बर्थ के बाद भी हमें कभी कभार मेजोरिटी टाइम हमारे बेबी के स्किन पे एक वाइटिश लेयर दिखती है, ये वही लेयर होती है। हमारा बेबी यूटरस में रहता है, उसके अराउंड में अमनियोटिक फ्लूइड रहता है, तो अमनियोटिक फ्लूइड का बेबी के स्किन से डायरेक्टली कनेक्शन आता है, तो उसकी वजह से कभी कभार बेबी को हार्म होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो लेयर रहती है वो हमारे बेबी के स्किन को प्रोटेक्ट करती है। 18 टू 20 वीक्स में और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारा यूटेरस अभी इनलार्ज होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हमारे बेबी का वेट बढ़ जाता है। तो कभी कभार हमारा जो सर्विक्स रहता है, जो हमारे यूटेरस के नीचे रहता है, जो हमारे बेबी को होल्ड करके रखता है, कभी कभार वो शॉर्ट हो जाता है, उसमें सॉफ्टनिंग होती है या वो ओपन होने के चांसेस रहते हैं। कुछ मॉमीज रहते हैं जिनके पहले अबॉर्शन हुए हैं या पहले उनका प्रीटम डिलीवरी हुआ है, उनमें भी ये आने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए जब हम डॉक्टर्स आपको स्कैन एडवाइस करते हैं तो उस टाइम पे भी हम सर्वाइकल लेंथ का असेसमेंट करने को भी बोलते हैं, और खुद भी हम अपर वजाइना एग्जामिनेशन करके आपकी सर्वाइकल लेंथ का असेसमेंट करते हैं। यदि हमें लगता है कि सर्विक्स शॉर्ट है, उसमें सॉफ्टनिंग है या प्रीटर्म डिलीवरी या वो ओपन होने के चांसेस है, तो हम उस टाइम पे सर्विक्स को स्टिच लेना यानी नीचे से टाका करना एडवाइस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रेगनेंसी में आगे जाके कॉम्प्लिकेशन ना आए। तो आपको ये ख्याल रखना है कि आपकी यदि कुछ हिस्ट्री है जिसमें आपके पहले अबॉर्शन है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपका प्रीटर्म डिलीवरी हुआ था, तो आपने ये सब चीज़ें आपके डॉक्टर को डिस्कस करनी है। यदि ये प्रेगनेंसी में आपको कभी भी एब्डोमिनल पेन लगता है या नीचे से ब्लीडिंग जा रहा है या आपको नीचे से पानी जा रहा है, ऐसे कुछ सिम्टम्स लगते हैं, तो आपने आपके डॉक्टर्स को ये सब चीज़ें बतानी है। ये वीक्स में 18 टू 20 वीक्स में हमारी मॉमीज हमें मेजॉरिटी टाइम कंप्लेंट करती है कि डॉक्टर मुझे आजकल कभी कभार थोड़ा सा चक्कर आना स्टार्ट हुआ है। तो बेसिकली इसको हम पोस्चुरल हाइपोटेंशन बोलते हैं। हमें पता ही है, हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है कि प्रेगनेंसी में हमारा थोड़ा सा बीपी कम हो जाता है, और वो अच्छी भी बात होती है, वो नेचर सिलेक्शन रहता है हमारे बीपी को ज़्यादा ब्लड जाने के लिए। बट जब हम एक ही पोजीशन पे ज़्यादा टाइम रहते हैं और हम सडनली वो पोजीशन चेंज करते हैं, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी इतना कोपअप नहीं कर पाती, तो उसकी वजह से हमारा जो बीपी रहता है वो और ड्रॉप होता है, तो जिसके वजह से हमें चक्कर आते हैं क्योंकि हमारा बीपी कम हो जाता है। इसीलिए हमारे मॉमीज़ ने अभी थोड़ा सा ख्याल रखना है। यदि आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, आप सोके हो, सोने के बाद उठ रहे हो, या आप स्क्वाटिंग पोजीशन में हैं और आप खड़े हो रहे हैं, तो उस टाइम पे आपने थोड़ा सपोर्ट के साथ उठना है। सोने के टाइम पे पोजीशन चेंज करने के लिए हम डायरेक्टली हमने नहीं उठना चाहिए, हमने एक साइड में टर्न होके हमने धीरे से उठना चाहिए। सो ये चक्कर आना या पोस्चुरल हाइपोटेंशन की वजह से आपको थोड़ा सा डिजीनेस लगना, ये सब सिम्टम्स हमें नहीं आएंगे या हम उसको कोप अप कर पाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 18 टू 20 वीक्स हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस टाइम पे हम जो एनामोली स्कैन यानी डेटिंग स्कैन करने को आपको एडवाइस करते हैं, उसमें हमें पता चलता है कि हमारे बेबी में कोई डिफेक्ट नहीं है या हमारे बेबी के सब ऑर्गन अच्छे से फॉर्म हुए हैं। तो ये आपने कभी मिस नहीं करना है। यदि आपका नहीं हुआ है या आप थोड़ा सा लेट करने वाले हो, तो वो भी आपने आपके डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करना है। आपके पहले कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है जो अब तक आपने आपके डॉक्टर्स के साथ डिस्कस नहीं की है, वो आपने आपके डॉक्टर को बताना है। आपने आपके ब्लड टेस्ट पहले हुए हैं या नहीं हुए हैं वो चेक करना है। नहीं हुआ है तो एटलीस्ट हमें हमारे बेसिक इन्वेस्टिगेशन करना है, हमें हमारा वेट, हमारा बीपी, ये सब बेसिक चेक करना है, क्योंकि इसके बाद की हमारी जो जर्नी रहेगी
उसके लिए हम अभी से प्रिपेयर हो रहे हैं। यदि अभी आपको बीपी है तो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर लेना पड़ता है। यदि आपके अभी के वैल्यूज ब्लड पैरामीटर्स में थोड़ा सा डिरेंज्ड है या थोड़ा उसमें हीमोग्लोबिन कम है या आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो अभी से हम आपको मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, आपको अच्छे से केयर लेने की एडवाइस दे सकते हैं। सो ये वीडियो में हमने 18 to 19 वीक्स के बारे में बात की है। नेक्स्ट वीडियो में हम 20 वीक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।